वेलकम टू न्यू वे ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैंने कल पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ा था और आज का क्लास हम लोग का जो होगा वो हिंदी से होगा। यहाँ भी हमने कुछ चुनिंदा 30 प्रश्नों का संग्रह आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हिंदी से है और जो कि आप लोग के लिए सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। 30 प्रश्नों का यह संग्रह है, शुरू करते हैं। अभी जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा निर्देश में, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक का ये है। तो इसके लिए हमें एक गद्यांश पढ़ना पड़ता है। इस गद्यांश से रिलेटेड सारे प्रश्न रहते हैं, उसी से हमें आंसर करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा इसे। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। दोस्तों, अभी मैंने यह गद्यांश पढ़ा, अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, इसका सही जवाब है। यानी कि जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं वो लघु उद्योग कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है, मशीनीकरण से तात्पर्य है। अब मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मशीनों का अधिकाधिक उपयोग ही मशीनीकरण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसमें हमने गांधी जी का जिक्र किया था। तो गांधी जी लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में उनकी जो धारणा थी उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? अब भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग का महत्व बढ़ता है, क्यों बढ़ता है वो जानेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं हमारे देश में बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में है, तो यहाँ पर लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ये उद्योग धंधे लघु उद्योग से ही संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विषमता का विपरीतार्थी है। विषमता का उल्टा, विपरीतार्थी का मतलब उल्टा होता है, विलोम शब्द, वो क्या होता है? विषमता का विपरीतार्थक होगा समानता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, समृद्धि शब्द में भाव है, समृद्धि में कौन सा भाव है? तो धनी होने का, निश्चित तौर पर समृद्ध मतलब धनी होता है, तो समृद्ध में धनी होने का भाव है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न के
प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, अल्पता शब्द है, अल्पता यानी अल्प मतलब कम होता है, थोड़ा होता है, अल्पता शब्द कौन सा है? वो तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, यानी बाकी सबसे अलग। यहाँ पर जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इन चारों में एक है जो सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी भारी भरकम, ये अलग शब्द है बाकी से। हम लोग बोलने में समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होता है, जैसे दिन रात, पशु पक्षी, माता पिता, भारी भरकम, यानी भारी भरकम यहाँ पर बाकी सबसे अलग है। चलिए तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है, जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा था उसमें प्रश्रय शब्द का क्या भाव था वो हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए संरक्षण देना इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। यहाँ पर 100 से 114 तक के प्रश्न के लिए हमें विकल्प का चयन करना है। चलिए समय को न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर है, पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता, यानी पाठचर्या में किसकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी मूल्य निर्धारण इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम भाषा का शिक्षण करते हैं, भाषा सिखाते हैं बच्चों को, तो उसके लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षक होने के नाते हमारी ये जवाबदेही बनती है, हमारा ये धर्म बनता है, काम बनता है कि उसकी भाषा को हम समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए जो उपकौशल अनिवार्य नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला याद करने का कौशल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्विभाषिक बच्चे, द्विभाषिक का मतलब होता है जो बच्चे दो भाषा का भाषा को जानते हैं वो द्विभाषिक कहलाते हैं। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक और विस्तृत इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? अब कौन सा ऐसा हमारे ऑप्शन में ऐसा है जिसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। निश्चित तौर पर अगर हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता है कौन से क्रम पर कौन सा वर्णमाला आता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, भाषा और विचार के संबंध में कौन सा अग्रणी है तो उसको जानेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाइगोत्स्की इसका सही जवाब है। निश्चित तौर पर वो हमें भाषा और विचार के बारे में बहुत कुछ बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। निश्चित तौर पर जब बच्चा छोटा होता है तो वो बाकी लोगों के घर में जो सदस्य होते हैं उनसे सीखने का प्रयास करता है, और अलग अलग भाषा के लोग अगर हों तो वो अलग अलग भाषा सीखता है, तो हमें एक ही भाषा का प्रयोग करना बनता है जिससे कि बच्चे का भाषिक विकास जो है वो सही ढंग से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही जवाब है, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो लेखन क्षमता क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी मौलिक विचार इसका सही जवाब है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्रवण मतलब सुनना होता है और वाचन मतलब बोलना होता है। तो वो कौन सी गतिविधि है जो सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये इसका सही जवाब है। कहानी सुनाकर यानी सुनाने में बच्चे श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और जब हम उसका प्रतिक्रिया जानते हैं तो वो बोलकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो वाणी कौन कौन क्या होती है वाणी, वो हमें जानना है। ऑप्शन नंबर सी स्थिर, इसका सही जवाब है, यानी वाणी स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया बहुभाषिक का मतलब होता है बहुत सी भाषा, बहुभाषी कक्षा जो होता है उससे क्या तात्पर्य है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं जो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस बच्चे के भाषा को, उस बच्चे के बोली को सम्मान देना, ये बहुभाषी कक्षा कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भाषा क्षमता, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बहुभाषी, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है, यहाँ पर 115 से 120 के लिए हमें कुछ पद्यांश दिए गए हैं जिनको कि पढ़ के उनका जवाब देना है। चलिए हम पद्यांश की तरफ चलते हैं। पद्यांश है, हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खे लेते हैं, सहज डगर पर लंगरे भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैलाकर हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदियां से पानी पी प्यास बुझाना आशा है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। यहाँ पर एक कविता है, अब हमें उस कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम जानकारी उससे लेंगे। प्रश्न है, पहला, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो, कवि अब किसको नमन कर रहा है? अभी आप गौर से अगर पद्यांश को सुने होंगे तो निश्चित तौर पर आंसर आपको आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कविता में बैसाखी का भावार्थ है, यहाँ पर कविता में बैसाखी का क्या भावार्थ है वो हम जानते हैं। ऑप्शन सी जो है सहारा, बैसाखी का मतलब सहारा लेना होता है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है डैश में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है वो हमें जानना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अनुप्रास अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, अब समाज किसे सम्मानित करता है वो हम जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, अपने कामों से सबका हित करते हैं, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कवि के अनुसार उनका जीवन आशा नहीं है जो, अब कवि के अनुसार किनका जीवन आशा नहीं है वो हम जानेंगे। ऑप्शन डी जो है, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नौसिखिए हैं, नौसिखिया से क्या तात्पर्य है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नया सीखने वाला, इसका सही जवाब है। नौसिखिया का मतलब होता है जो नया सीखने का प्रयास करता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।